वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत। अगर बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो आए बैठकर मामला तय करें, नहीं चाहते उनके साथ ऐसी ज्यादती हो जो हमारे साथ हुई। मैं भी कैंसर की बीमारी में मुबतला हूँ, फिर भी कैदी वैन में अदालत गया, कभी जेल में रोया नहीं। ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्ला को ज़मीन पर लिटाया गया, घर से खाना नहीं लाने दिया गया, अद्वियात बंद की गईं, वालिदा का इंतकाल हुआ तो जेल में था। मुल्क में तलखियों का जिम्मेदार कौन है? चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर इत्तफाक राय कायम करें। मेरी मिसाल के मुईशत की पेशकश को हकारत से देखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात बानी पीटीआई की रिहाई से मशरूत कर दिए। बात तब होगी जब मेरा वज़ीर आज़म बाहर आएगा, मेरे कैदी बाहर आएंगे। मुफाहमत तब होगी जब आप यास्मीन नाशिद, महमूद और रशीद और दीगर के साथ ज़्यादती का एहसास करेंगे। ये हाउस इस वक्त चल सकेगा जब हमारा एहतराम होगा। उन्होंने वालिदा मोहतरमा के जनाजे का जिक्र किया। हम कुलसूम नवाज के जनाजे में शरीक हुए, अपने वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हो सका। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वज़ीर आज़म की पेशकश पर रद्द अमल। कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शुजात अली खान ने इंसाफ पर मबनी फैसले देकर तारीख रकम कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शुजात अली खान के 91% फैसलों को दुरुस्त करार दिया। जस्टिस शुजात अली खान के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 809 अपीलें दायर हुईं, जिनमें 466 फैसलों को दुरुस्त करार दिया गया। 295 केसेज इस वक्त में से रेलतवा। आपकी ख्वाहिश है कि इमरान खान 5 साल जेल में ताकि हुकूमत जी हमारी बिल्कुल ये ख्वाहिश है, क्योंकि इमरान खान जो है वो उसका बुनियादी एजेंडा ना जमहूरियत है, ना उसका बुनियादी एजेंडा इस पाकिस्तान की कोई बेहतरी है। वो सिर्फ और सिर्फ अनारकी चाहता है, अफरा तफरी चाहता है, फितना चाहता है। यही उसने पिछले आप 2014 से ले लें, धरनों से ले लें, धरनों से ले के हुकूमतें तोड़ने तक ये 2023 तक आप आ जाएं, उसका बिल्कुल एक पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। वो यही कुछ उसने किया है, यही वो करेगा। हमारी बिल्कुल ख्वाहिश है बानी पीटीआई जेल में रहें। बानी पीटीआई सिर्फ अनारकी, अफरा तफरी और फितना चाहते हैं। बानी पीटीआई के ख्यालात यही रहे तो फिर उनका वहाँ रहना ज़रूरी है। बानी पीटीआई का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो यही कुछ करेंगे। हमें यह भी मालूम है कि ये बंदा डायलॉग की तरफ नहीं आएगा। हमने कभी नहीं कहा कि बानी पीटीआई को नहीं छोड़ेंगे। बानी पीटीआई के मुकदमात का फैसला अदालतों ने करना है। अजमे इस्तेहकाम का मकसद मुल्क में इस्तेहकाम लाना है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है। अजमे इस्तेहकाम का एक हिस्सा इंतहा पसंदी को कंट्रोल करना है। रानमा मुस्लिम नून राना सनाउल्ला की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू। क्या हम नहीं समझते ये बात कि हमारे मुल्क में हर जगह न सही लेकिन बेशतर इलाकों में सूरत हाल फाकों तक पहुंची है? अगर आप कौम को वो हुकूक नहीं दे सकते, फिर क्या आप कौम से टैक्स उसूल करने का हक भी रखते हैं? मुल्क के अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे इसलिए कि अवाम को आप पर एतमाद नहीं है। लोगों को पता है कि मेरे टैक्स वसूल करके इसको बाहर के कर्ज में दिया जाएगा, आईएमएफ के कर्ज में दिया जाएगा। ऑपरेशन अजमे इस्तेहकाम चीन के कहने पर शुरू हो रहा है। माजी में ऑपरेशन का क्या रिजल्ट आया? वज़ीर आज़म चीन से नाकाम लौटे। चीन ने कहा है कि आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, हर शोबे में टैक्स लगा दिए गए जिससे महंगाई का तूफान आया। कौम को इसके हुकूक नहीं दे सकते तो क्या उनसे टैक्स मांगने का इख्तियार रखते हैं? अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे क्योंकि आप पर एतमाद नहीं। अवाम को पता है कि उनके पैसे आईएमएफ को दिए जाएंगे। मेरी हुकूमत भी हो तो अवाम टैक्स ना दे। मुल्क में सूरत हाल फाकों तक पहुंच चुकी है। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। वज़ीर आज़म के ऐबान में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। शहबाज शरीफ अपोजिशन के नशस्तों पर भी गए। जैन कुरैशी, अली मोहम्मद खान, असद कैसर, उमर अयूब से मुसाफहा किया। इस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर हो जाए तो सब खैर हो जाएगी। अकलियत हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं। जेयूआई सरबरा की मीडिया से गुफ्तगू।
तरीके इंसाफ के जरिए तमाम कबायली अमन जिरगा ऑपरेशन अजम इस्तेकाम की मुखालफत का ऐलान। पीटीआई अमन कबायली जिरगे में ऑपरेशन अजम इस्तेकाम से मुतालिक करारदाद मंजूर। अजम इस्तेकाम ऑपरेशन से मुतालिक फैसले में कबायलियों को शामिल करने का मुतालबा। किसी ऑपरेशन की हिमायत करेंगे और ना ही इसे शुरू होने देंगे। कबायली मुशरान से मशवरा किया जाए तभी कोई ऑपरेशन कामयाब होगा। कबायली सुलह में अमन कायम नहीं होता, इस वक्त तक पाकिस्तान में अमन का क्याम मुमकिन नहीं। हम आइन की बलादस्ती के लिए जंग लड़ रहे हैं, हम इस मुल्क को आइन व कानून के मुताबिक चलाएंगे। पीटीआई कबायली अमन जिरगे से असद कैसर का खिताब। सबसे पहले हमारा मुतालबा ये कि इस ऑपरेशन के बारे में वाज़ह ऐलान किया जाए, पार्लियामेंट में लेके आए। लेकिन एक बात बिल्कुल पेशदा है कि किसी फौजी ऑपरेशन की न हिमायत करेंगे, न सपोर्ट करेंगे, न मानेंगे। जब तक फाटा में अमन कायम नहीं होता तो पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे जिसे आवाम सपोर्ट नहीं। अगर ये इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन है तो पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए, हम इस मामले को सूबाई असम्बली में लेकर जाएंगे। हमें खदशा है ऑपरेशन के अहदाफ सियासी हैं। ऑपरेशन के बारे में हुकूमत रोज़ाना पैंतरे बदल रही है। दहशतगर्दी का खात्मा खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के मफाद में है। तर्जमान तरीके इंसाफ रऊफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमरीकी कांग्रेस का पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात को ज़दाना मुनसफाना तस्लीम करने से इनकार। पाकिस्तान में आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद 7 के मुकाबले में 368 वोटों की अक्सरियत से मंजूर कर ली। इलेक्शन की आज़ादाना और गैर जानबदाराना तहकीकात की जाएँ। इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन सहूलियात में तातुल काबिले मज़म्मत है। 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेज़ाबतियों के दावों की आज़ादाना तहकीकात की जाएँ। अवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने के लिए अवाम को दबाने की कोशिशों की मज़म्मत करते हैं। अवाम को जमहूरी अमल में हिस्सा लेने से बाज रखने के लिए धमकाने, कैद और हरासा करने की मज़म्मत करते हैं। करारदाद का मतलब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कांग्रेस की करारदाद पर अमरीका को आईना दिखा दिया। अमरीका को जमहूरियत से मुतालिक अपना 100 साल रिकॉर्ड दिखाने का मशवरा। अमरीका से पूछता हूँ कि पिछले 100 साल में कितनी जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उल्टा है। यह इस मुल्क की तरफ से है जिसने 20वीं सदी जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमतों का तख्ता उलटने में गुजारी है और अब फलस्तीनियों की नस्ल खुशी में सहूलतकारी कर रहा है। 2020 के इंतखाबात में बाइडन मुंतखब हुआ तो ट्रंप ने नतीजे मानने से इनकार किया। 2016 और 2020 के इंतखाबात में बेजाबतियों पर नज़र डालें। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ने गैर मुल्की मुदाखलत और धांधली का इल्ज़ाम लगाया। ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाकिस्तान का अमरीकी वानिन वानदकान की तरफ से करारदाद की मंजूरी पर सख्त रद्द अमल। ऐसी करारदादें ना बामकसद और ना तामीरी हैं। करारदाद का वक्त और सियाक व सबाक हमारे दो तरफा ताल्लुकात से मुफाकत नहीं है। करारदाद में पाकिस्तान में सियासी सूरतेहाल और इंतखाबी अमल की नामुकम्मल तफहीम है। पाकिस्तान आइन परस्ती, इंसानी हकूक और कानून की हुक्मरान की इकदार का पाबंद है। उम्मीद है अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मुआवन किरदार अदा करेगी। तर्जमान दफ्तर खारजा। तोहीन अदालत केस में फैसल बावड़ा ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तोहीन नहीं था, खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। अदलिया का वक़ार मजरूह हुआ तो गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। मेरे खिलाफ तोहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म की जाए, फैसल बावड़ा की इस्तदा। और हुकूमत का सी पैक के तहत लगने वाले कोल पावर प्लांट्स से मुतालिक बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म की 3 सी पैक पावर प्लांट्स को मुकामी कोयले पर मुंतकिल करने की हिदायत। पोर्ट कासिम, हब थरकोल और साहिवाल प्लांट शामिल। जामशोरो कोल पावर प्लांट को भी मुकामी कोयले पर मुंतकिल करने की हिदायत। वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की और पावर प्रोविजन से 31 जुलाई तक रिपोर्ट तलब। दरामदी कोयले से बिजली की पैदावार लागत नाकाबिले बर्दाश्त होगी। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ।